Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dream. Welcome to all of you in Major Kalshi current affairs classes. Jai Hind dosto, main Divyanshu Pandey. Aaj aapke liye kuch mahatvapurna questions lekar aaya hu, jo aapke aane wali parikshaon ke liye bahut hi important rehne wala hai. To chaliye shuru karte hain. आज का पहला प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण में से कौन सा शहर मेजबान रहा? Which city is host to the 107th edition of the Indian Science Congress? Option first, New Delhi. Option second, Lucknow. Option third, Kolkata. And option fourth, Bangalore. आपके पास 5 सेकंड है, आप अपना आंसर गेस कर लीजिए. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से 7 जनवरी 2020 में कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन किया और इस वर्ष की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट रखी गई. बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचीन में बनाया जा रहा है? What is the name of India's first indigenous aircraft carrier which is being built at Cochin? Option first, Virat. Option second, Veera. Option third, Vikrant. And option fourth, Vikram. अपना आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विक्रांत. भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित किया जा रहा है और पूरी संभावना है कि यह वर्ष 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2020 तक कौन सा भारतीय दूर संचार ऑपरेटर एशिया में दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर है? एज ऑफ 2020, विच इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर इज द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल ऑपरेटर इन एशिया? ऑप्शन फर्स्ट जियो, ऑप्शन सेकंड भारती एयरटेल, ऑप्शन थर्ड वोडाफोन आइडिया एंड ऑप्शन फोर्थ बीएसएनएल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारती एयरटेल. ब्लूमबर्ग ने हाल ही में एक स्टडी की जिसमें उसने पाया कि भारती एयरटेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है. पहले नंबर पर चाइना मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है जिसकी कैपिटलाइजेशन 175 बिलियन डॉलर है, वहीं भारतीय एयरटेल की 41 बिलियन डॉलर है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन परेड एडजटेंट फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट अग्नि चतुर्वेदी, ऑप्शन सेकेंड भावना कंठ, ऑप्शन थर्ड मोहना सिंह एंड ऑप्शन फोर्थ तानिया शेरगिल. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, तानिया शेरगिल. कैप्टन तानिया शेरगिल गणतंत्र दिवस परेड की सहायक बनने वाली पहली भारतीय महिला है. कैप्टन तानिया शेरगिल को वर्ष 2017 में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में भारतीय सेना में कमीशन किया गया और यह 2020 में 15 जनवरी आर्मी डे परेड और 26 जनवरी को इन्होंने एक दल का नेतृत्व किया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 2 जनवरी 2020 को प्रकाश वर्ष आयोजित किया गया. यह प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती पर आयोजित किया जाता है? ऑन जनवरी 2, 2020 प्रकाश वर्ष वाज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु? ऑप्शन फर्स्ट गुरु हरकृष्ण साहिब, ऑप्शन सेकंड गुरु हर राय, ऑप्शन थर्ड गुरु गोविंद सिंह एंड ऑप्शन फोर्थ गुरु तेग बहादुर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह. 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2 जनवरी 2020 को देश और दुनिया के कई हिस्सों में मनाई गई थी. सिख गुरु की जयंती को प्रकाश वर्ष के नाम से भी हम जानते हैं. चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसके तहत निशुल्क शिक्षा का अधिकार बनाया है?
Supreme Court has made right to free education as a part of which among the following rights? Option first, जीवन का अधिकार. Option second, शोषण के खिलाफ अधिकार. Option third, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार. And option fourth, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लागू करने योग्य अधिकार दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का प्रमुख कौन होता है? Who heads the Cabinet Committee on Economic Affairs in India? Option first, वित्त मंत्री. ऑप्शन सेकेंड, वाणिज्य मंत्री. ऑप्शन थर्ड, प्रधानमंत्री. एंड ऑप्शन फोर्थ, कैबिनेट सचिव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का प्रमुख कार्य देश के लिए एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति ढांचे को विकसित करना है और देश के विकास को बढ़ाए रखना है. और इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को प्रधानमंत्री हेड करते हैं. किस भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार 2019 जीता? विच इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वोन नोबेल प्राइज 2019? ऑप्शन फर्स्ट, अभिजीत बनर्जी. ऑप्शन सेकेंड, अमर्त्य सेन. ऑप्शन थर्ड, वेंकट रमन रामकृष्णन. ऑप्शन फोर्थ, कैलाश सत्यार्थी. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, अभिजीत बनर्जी. अभिजीत बनर्जी को उनके आर्थिक सह शोधकर्ता एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए सन 2019 के आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था? What was the theme of the International Yoga Day of 2020? Option first, जलवायु क्रिया. Option second, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग. Option third, yoga for peace. And option fourth, स्वास्थ्य के लिए योग. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग. Yoga for health, yoga at home. वर्ष 2020 में कोविड महामारी के चलते अधिकांश देशों के द्वारा सामाजिक दूर के उपायों के कारण इस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित विषय योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम रखा गया. डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया. डिफेंस एक्सपो 2020 वॉज हेल्ड इन कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पुणे. तो इसका सही आंसर है लखनऊ. रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो है जो हर 2 साल के बाद मनाया जाता है और वर्ष 2020 में डिफेंस एक्सपो लखनऊ शहर में मनाया गया और इस वर्ष की थीम इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब रखी है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 का एक दिवसीय खिलाड़ी घोषित किया गया? Which cricketer has been declared as ODI player of the year 2019? Option first, Virat Kohli. Option second, Pat Cummins. Option third, Ben Stokes. And option fourth, Rohit Sharma. तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी. वर्ष 2019 में रोहित शर्मा को ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया. इसके साथ ही साथ बेन स्टोक को वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विराट कोहली को 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? Which film won Best Film Award in Dada Saheb Phalke International Film Festival Award of 2020? Option first, Kabir Singh. Option second, Super 30. Option third, Tanaji. Option fourth, Badla. तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुपर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि थरूर की किस अंग्रेजी पुस्तक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता? शशि थरूर विच इंग्लिश बुक वोन साहित्य अकादमी अवार्ड 2019? ऑप्शन फर्स्ट एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, पैक्स इंडिका, इनग्लोरियस एम्पायर, एंड ऑप्शन फोर्थ इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। शशि थरूर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं और एक लेखक और विचारक भी हैं, जिनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड दिल्ली, ऑप्शन फोर्थ भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट भुवनेश्वर उड़ीसा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण फरवरी 22 से 1 मार्च के बीच कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे, आप हमारे मेजर कल्सी के ब्लॉग पर जाके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद। Major Kalshi Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily life classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.